हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ साफ सफाई का दूसरे राज्यों की तुलना में ज्यादा ध्यान रखा जाता है और यहाँ एक ऐसा गांव है जो स्वच्छ भारत अभियान के लिए मिसाल बन गया है। इस गांव का नाम है रक्षम। ये गांव हार कर जीतने के जज्बे की जीती जागती मिसाल है। पहले होता था इस बासपा नदी के ऊपर रक्षम पत्थर का पुल, पत्थर को हम अपने भाषा में रख बोलते हैं, सम को पुल बोलते हैं, तो इसी नाम से विकसित हो गया ये रक्षम गांव। और यहां के बाशिंदों ने जीवटता की जो कहानी लिखी उसे सुनकर हर कोई हैरान है। छड़ी का मकान हुआ करता था, उधर एक टेलर रहता था, जो टेलरिंग का काम करता था। वो रात को उसने प्रेस ऑन किया होना, काम करने के सिलसिले में उसने लाइट चली गई, बिजली चली गई, भूल गया कि अपना प्रेस ऑफ करने के लिए। वो अपना डारा बंद करके चला गया। उसके जाने के तत्पश्चात वैसी बिजली आ गई, उसका प्रेस इतना गर्म हो गया कि उसका वो खोखा में मतलब कपड़ों में लग गया जी आग, उससे पूरा उस मोहल्ले में लोग जब तक जागे तब तक आग इतना भयंकर फैल चुका था कि पूरा गांव आग के चपेट में आ गया। इस भीषण अग्निकांड में लोगों के पुश्तैनी मकान जलकर राख हो गए थे। इस घटना में लोगों की करोड़ों की संपत्ति, जेवरात और पुश्तैनी चीजें जलकर राख हो गईं। गांव को दोबारा बसाने के लिए लोगों ने एक दूसरे की सहायता की। करीब 1.5 से 2 साल लगाकर गांव को फिर से बसाया गया। इस गांव की एक खास बात यह है कि यहां पर रहने वाले ग्रामीणों को गांव के हर नियम का ख्याल रखना पड़ता है। जस्टंग मतलब ऊपर आने का भी हमने डेट फिक्स रखा है, जस्टंग 5 मींस नहीं 15 और 20 के बीच ये जस्टंग आ जाता 5। उस दौरान कंपलसरी सब गाँव को ऊपर रक्षम में ही पहुँचना, गाँव में नहीं पहुँचा तो हम उन व्यक्ति के खिलाफ फिर स्पेशली फाइन रख देते हैं। इस गांव की स्वच्छता के चर्चे सिर्फ हिमाचल या आसपास के क्षेत्रों तक सीमित नहीं है बल्कि रक्षम राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुका है। रक्षम को स्वच्छता के लिए राष्ट्रपति से सम्मान मिल चुका है और ऐसा इसलिए क्योंकि यहां गंदगी का कोई नामो निशान नहीं है। पंचायत की ओर से पूरे जगह जगह में हमने कूड़े दान लगाया हुआ जी, जो भी पर्यटक लोग आते हैं अपना, जैसे कोई ड्रिंकिंग वाटर लेते हैं या कोई जूस वगैरह लेते हैं या नमकीन इत्यादि लेते हैं, उनके प्लास्टिकों को डालने के लिए हमने सब जगह ये बिछा रखा है जी, पूरे दान है ना जी। और गाँव में ये पहला गाँव है जो सिवरेज लाइन से अटैच है, हर घर में हमारे शौचालय है जी, सबके पास कोई गाँव में बिल्कुल गंदगी नहीं मिलेगा जी। बाहरी इलाकों के व्यापारियों को यहाँ व्यापार करने पर प्रतिबंध है। अगर कोई व्यापार करना चाहता है तो उसे पहले गांव के प्रधान से अनुमति लेना आवश्यक है। गांव की उपलब्धियों की बात करें तो रक्षम गांव को मॉडर्न गांव का दर्जा दिया गया है। गांव में चंडीगढ़ की तर्ज पर क्षेत्र के बारे में सूचक बोर्ड लगाए गए हैं ताकि कोई भी पर्यटक घूमने के दौरान भटक न जाए। गांव में कंक्रीट के जंगल बनाने की बजाय लोग पौराणिक कलाओं से निर्मित मकान और टेंट के जरिए पर्यटकों को ठहराते हैं ताकि पर्यावरण को नुकसान न हो। राष्ट्रपति से सम्मान के बाद 2019-20 में एक बार फिर रक्षम गांव को स्वच्छता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। रक्षम गांव जो है वो हमारे पर्यटन के मानचित्र के ऊपर बहुत अच्छी तरह से उभर के सामने आया है और इसका सारा क्रेडिट जो है वो रक्षम के स्थानीय निवासियों को जाता है, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार त्रासदी से उभरने के बाद अपने गाँव में समस्त पर्यटन से जो संबंधित मूलभूत सुविधाएं हैं उसको वहां पर स्थापित किया। तो आप भी समय निकाल कर अपने परिवार के साथ किन्नौर के इस गांव की स्वच्छता का दीदार करने जरूर पहुंचिए। और हार कर जीतना किसे कहते हैं, उसका जीता जागता दीदार खुद कीजिए और करीब से देखिए हिमालय का दिल हिमाचल। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत। 2400 घंटे लगातार खबरें देखने के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप।